दोस्तों, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये सेक्टर 8 का है, जो कि पुष्पक नगर में आया हूँ आज। तो चलिए, यहाँ का कुछ खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाऊंगा, और इससे पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और एक बार फिर से मैं पुष्पक नगर का वीडियो दिखाने जा रहा हूँ आपका। पुष्पक नगर का एक बार पहले भी डाल चुका हूँ, पर कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा एयरपोर्ट लगभग लगभग तैयार ही होने जा रहा है, तो पुष्पक नगर का भी नज़ारा देख के आ ही जाते हैं कि पुष्पक नगर कितना तैयार हुआ है। तो दोस्तों, मैं सोच रहा था कि कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे, आप अपने हिसाब से करिए। क्योंकि जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, कहीं पर अगर एक घर ले रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं, तो आप अच्छे से सोचिए, अच्छे से देखिए, और वहाँ पे अपने हिसाब से वहाँ पे अपना पैसा लगाइए। और मेरा काम है कि मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, मैं जब इस एरिया में आया था, ये अभी से कुछ 5-7 महीना पहले, तो भी उतना कुछ खास बना हुआ नहीं था, पर अब धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो कि आके यहाँ पे, तो और भी आगे बनेगा, क्योंकि एयरपोर्ट लगभग लगभग तैयार हो ही गया है। तो मैं सोचा चलो इसको भी एक नज़र डाल ही लेते हैं। तो दोस्तों, जो आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और आने वाले यहाँ पे तो बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, तो मैं कुछ रोड भी दिखाऊंगा। और जानकारी में इतना ही, और कि अगर आप थोड़ा रास्ते के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं इस रास्ते के बारे में बताना चाहूँगा आपको। यदि आप मुंबई से आते हैं, तो आपको मुंबई से आते आते सबसे पहले लगता है पाम बीच रोड से आ रहे हैं, तो पाम बीच रोड से जैसे बेलापुर ब्रिज को एंट्री करते हैं, तो वहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा, जो कि बेलापुर में एक वाइट कलर का जो सिडको का भवन है, वहाँ से राइट लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर 5 से 7 किलोमीटर आएंगे आगे, तो वहाँ वहाँ से आगे आने के बाद आपको एक उलवे से आगे आने के बाद आपको एक ब्रिज मिलता है। ब्रिज तो उलवे से जैसे क्रॉस करते हैं, में जैसे ऊपर आते हैं, वैसे आपको लेफ्ट की तरफ आना है। अगर राइट में जाएंगे तो आपको वो उरन पहुंचा देगा, और लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये आपको पुष्पक नगर की तरफ, और उससे आगे जाएंगे तो पनवेल पनवेल की तरफ जाएगा, जो कि हम इस वीडियो में आपको कोशिश किए हैं इस रास्ते के बारे में बताने की। और आशा करते हैं आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Is right, chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through.